स्टूडेंट, अब हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन देख लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, एक बॉडी लिया है, न्यूट्रल बॉडी है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है ताकि हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो हमें बॉडी से चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं। और ये हमारा एक रॉड है जो चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है, इसको टच करेंगे इसके साथ तो स्टूडेंट क्या होगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इससे चार्ज का ट्रांसफ़र इस पर हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा इस पर। अब स्टूडेंट, ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ ये कब तक होता रहेगा, क्या दोनों पर चार्ज इक्वल हो जाएगा तब तक ट्रांसफ़र होगा? बहुत बच्चे बोलते हैं, जनरली आंसर जो देते हैं वो बोलते हैं कि हाँ सर, जब चार्ज दोनों बॉडी पर सेम हो जाएगा तो हमारा चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होता है स्टूडेंट जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, दोनों चार्ज पर पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अब स्टूडेंट, सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस पर कितना चार्ज आएगा? तो आप अभी उसका आइडिया नहीं लगा सकते हो, जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल जो है वो शेप पर भी डिपेंड करता है बॉडी के। तो अब इस बॉडी का शेप स्टूडेंट कुछ और है, इस बॉडी का शेप अलग है, आप कैसे डिसाइड करो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो? बस आपको याद रखना है, जब पोटेंशियल जो इक्वल हो जाए तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पर पॉजिटिव रॉड भी लेके आते तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होता है ना, इलेक्ट्रॉन इस पर इससे ट्रांसफ़र होता। एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं, मान लो कि यहाँ एक बॉडी है, चार्ज पॉजिटिव था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, अब न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट, इससे इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्लो करके आएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। मान लो इस पर पॉजिटिव निगेटिव था, न्यूट्रल था, पॉजिटिव निगेटिव इक्वल अमाउंट में था, है ना। अब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया इससे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस पर मान लो, तो इसको न्यूट्रल कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करके आ गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ इसको भी न्यूट्रल कर दिया, ये भी गायब हो गया। तो ये यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट गया। तो हमें क्या लगता है स्टूडेंट कि इससे जो पॉजिटिव, अब 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब इस पर कितना हो गया, इस पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, पहले न्यूट्रल था, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो स्टूडेंट ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो कर गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कन्वेंशनली कि हमारा प्रोटॉन फ्लो किया इससे, इस पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, कन्वेंशनली बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्लो कौन करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, है ना। अब याद है चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्टूडेंट आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, पिछला जो हम लोग क्लास था उसमें हमने बताया था कि जो कॉम्ब है अट्रैक्ट कर लेता है पेपर पीस को, लेकिन पेपर पीस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना, तो उसको अट्रैक्ट क्यों कर लेता है स्टूडेंट? ये इंडक्शन के वजह से ही उसको अट्रैक्ट करता है। उसको भी हम लोग जब कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे तो वहाँ उसका मैं प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा कैसे, है ना। अभी हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक बॉडी है हमारा, यहाँ पर एक बॉडी लिया गया जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल था, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इसके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे बॉडी में, लेकिन जैसे ही एक चार्ज रॉड को लेके आए स्टूडेंट, निगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आए यहाँ पर स्टूडेंट, क्या होगा कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा स्टूडेंट, और निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो इधर हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर बचा रहेगा, क्योंकि ये तो फ्लो नहीं कर सकता, इधर का निगेटिव चार्ज जो था वो मूव करके यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ऐसे मूव कर गया, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही इसको अर्थ कर देंगे,
जैसे ही इसको अर्थ कर देंगे हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इधर से जैसे ही रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, हमारा अर्थिंग क्या होता है स्टूडेंट, एक वायर को ग्राउंड के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। आपने बहुत सारा लगा देखा भी होगा कि एक रॉड को जमीन के अंदर डालने के बाद उससे वायर कनेक्ट करके ले जाके कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो जो भी एक्सेस चार्ज हो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर वो ट्रांसफ़र हो जाए और हमें शॉक नहीं लगे। तो इसी तरह से अर्थिंग भी है स्टूडेंट। अर्थिंग में क्या होता है, एक वायर को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट उसको निगेटिव चार्ज रिपेल करके अंदर भेज देगा, रिपेल करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, जब रिपेल कर अंदर चला जाएगा तो इसको ऐसे नहीं करना है कि अभी इसको हटा दें यहाँ से, यहाँ से हटा देंगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसको न्यूट्रल बना देगा स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही ये चार्ज चला गया अब फिर से इसको ऑफ कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब इसको हम लोग हटाएंगे इसको स्टूडेंट। अब इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं यहाँ से हटाने के बाद, अब इसको उसके बाद ऐसे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक और एग्जांपल लेता हूँ आसानी से स्टूडेंट। मान लो कि एक रॉड है और एक दूसरा है, ऐसे दोनों न्यूट्रल था एक स्टैंडिंग। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, एक चार्ज रॉड को लेके आएंगे, ऐसे चार्ज रॉड को लेके आए चार्ज रॉड, तो क्या होगा इंडक्शन के वजह से स्टूडेंट निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा, टच कर रहा है, कंडक्टिंग है। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको यहाँ से पकड़ के और इसको पकड़ के फोर्सफुली अलग कर देंगे, फोर्सफुली। तो इस पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद जो सिचुएशन आ जाएगा वो हमारा ऐसा हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज आ जाएगा और रॉड को हटा लेंगे ऐसे, और इस पर स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा ऐसे, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, है ना, दोनों चार्ज हो जाए। यही है हमारा प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, सॉरी इंडक्शन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।